वहाँ पार वाली साइड हम गए थे, ये दरिया का पार करके ना, वो सामने वहाँ हमने खाली की गाड़ी। भाई ये बंदा है वो जो बंदा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, ठीक है। अभी इस बंदे को फोन करो, फोन नहीं उठा रहे। अभी क्या हो रहा है, व्लॉग चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे हाइलाइट्स में अंकल और मेरा फोटो मैंने वहाँ स्पेशल दिख रहे हैं। मतलब सिर्फ वो गाड़ी एक जा रही है, उसके इंडिकेटर दिख रहे हैं, जल रही है, और मुझे थोड़ी थोड़ी व्हाइट लाइन दिख रही है, और अभी अपनी स्पीड है सिर्फ 20। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी रात के 9 बजने वाले हो, फाइनली हम पहुंच चुके हैं फगवाड़ा, मतलब जलंधर से पीछे। मतलब जिन भाइयों को नहीं पता, हम अभी पंजाब में ही है भाई, और जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने अपना स्टीयरिंग चेंज कर लिया गाइस, लग रहा है जैसे लग्जरी कार ही चला रहा हूं भाई, और ऐसा है कि इसमें कवर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तू हॉर्न मार ले भाई, इसमें ऐसा है कि कवर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, और मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रक चला रहे हैं या चीज। वैसे तो अपना बादशाह किसी कार से कम नहीं है भाई, और ऐसा पता ऐसा फील हो रहा है जैसे मर्सिडीज चला रहा हूँ भाई। और इसकी एक मेन प्रॉब्लम होगी भाई, क्योंकि जहाँ जो ये वाला बटन है ना, इससे हॉर्न नहीं मतलब चल रहा है, जो स्टीयरिंग वाला हॉर्न है, क्योंकि हॉर्न की एक पिन थी ना, वो पहले वाले स्टीयरिंग में भी नहीं चल रहा था, वो कमजोर हो गई है बीच से स्टीयरिंग में, वो वाली पिन भी डलवाएंगे जब नेक्स्ट चक्कर आएंगे। और भाई ने बोला कि राजा भाई ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपके लिए स्पेशल, थैंक यू सो मच अपने भाई का, जो भाई ने मेरे लिए मतलब इतना प्यारा सा गिफ्ट रखा था। और भाई उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट मंथ आओ और ये वाला उतार के हम दूसरे वाला लगाएंगे जिसमें कंट्रोलर्स वगैरह लगे होते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं यहाँ से, फगवाड़ा से पहुँचते हैं सीधा जलंधर में, क्योंकि अपने अंकल हैं यार यहाँ वेट कर रहे हैं, और क्योंकि अंकल के साथ पिछले साल मैंने व्लॉग किया था, मतलब अंकल काफ़ी बुजुर्ग है और पहले बाहर थे फॉरन में, USA वाली साइड थे, आप यहाँ जलंधर में आए हैं, तो मेरी वीडियो ही देखते हैं अंकल से, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। देख रहे हो भाई मस्त लग रहा है ना गाइस, कमेंट करके बोलना कैसा लग रहा है। और अपने साथ एक भाई है, अपने कश्मीर की गाड़ी है यार, वो भी 10 चक्का है भाई, वहाँ से वीडियो शूट कर रहा है कोई, मैंने बोला चलो आ जाओ हम भी शूट कर लेते हैं भाई, बहुत मुलायम है यार, जो नया वाला डालेंगे ना भाई एक मंथ के बाद, जो भाई ने बोला उसमें यहाँ कंट्रोलर्स लगे हैं, मतलब म्यूज़िक वाले जो भी हैं, अब ये नहीं पता वो काम करेंगे या नहीं, लेकिन वो लगे ज़रूर हैं भाई। और पुराने वाला ज़ुबैर भाई को वहाँ लगा के देंगे, कहाँ पे ज़ुबैर क्या करना है फिर आपने, फिर चलाना इधर से एक साइड से, उधर से भाई चलाएगा इधर से भी, जब थकेंगे भाई सो जाओ आप। अपनी 10 चक्का भाई धुंध में दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस 9:30 बज चुके हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं जलंधर में, अंकल मिल गए। आपने पिछले आपने आज से एक साल पहले मिले थे ना, एक साल पहले भाई व्लॉग में आपने देखा होगा अंकल मुझे मिलने आए थे, और इंस्टाग्राम पे मेरे हाइलाइट्स में अंकल और मेरा फोटो मैंने वहाँ स्पेशल रखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि अंकल की यही ख्वाहिश थी कि हम इकट्ठे खाना खाएं, और मेरी भी थी यही कि हमने एक दिन इकट्ठे खाना खाना ही है। और भाई अपनी ट्रक लाइफ ऐसी है ना, मतलब कभी रात को 2 बजे निकल जाता, कभी सुबह के टाइम निकल जाता, और फिर रात के 2 बजे में कैसे फ़ोन कर सकता, तो अच्छा लगा आज अंकल खाना स्पेशल मेरे लिए ले आए, तो मैंने बोला भाई खाएँगे इकट्ठे ही खाएँगे खाना, क्योंकि अब क्या पता अंकल ने कब बाहर चले जाना वापस, फिर कौन आएगा इधर हमारे पास, कौन है। तो चलो ज़ुबैर भाई ले आए पानी, तो खाते खाना गाइस, फिर अंकल से करते हैं बातें, फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस लग चुका अपना खाना, अंकल ने लिया पनीर ले आए, और उसके बाद दाल रोटी, ये वाले फ्राइड राइस है मेरे ख्याल में, तो ज़ुबैर भाई तो चावल ही खाते हैं, अंकल ने बोला मैं भी रोटी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा भाई। ये वाले दिन ना, ये वाले दिन मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ, और पहले भी एक व्लॉग में आपने देखा होगा, वो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन भाइयों ने नहीं देखा वो भी देखो, अंकल के साथ पहले भी मैं गया था हवेली पे, पूरा दिन घूमा था, तब मैं जलंधर में बीमार था, तो आज भी अच्छा लगा। अब बोल रहे थे कि मुझे चढ़ने नहीं हो रहा है गाड़ी में, लेकिन भाई फिर भी हमने सीढ़ी लगा के ज़बरदस्ती अंकल को गाड़ी में चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, ऐसे अच्छा नहीं मतलब रेस्टोरेंट में भी खा लेते, लेकिन भाई ये यादें हैं ना ये कभी नहीं भूलने वाले। चलो करते हैं अपना डिनर अंकल के साथ, फिर भाई यहाँ से निकलेंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम है अंकल के साथ निकालेंगे, फिर आराम से जाएंगे भाई, आज रात अपनी है। आज रात के 10 बज चुके हैं फाइनली, और भाई यहाँ से चलते हैं, खाना वगैरह खा लिया, अंकल भी चले गए, वो देख रहे हो गाड़ी चले। कम से मैं एक बात बोलूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी जब से अंकल मुझसे मिले ना, मुझे इतना मतलब इतना करते ना मेरा, जैसे अपने बेटू के साथ करते हैं ऐसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो अंकल बोल रहे हैं कि बेटा मैं शायद चला जाऊँ वापस USA, तो चलो आज खाना हो जाए भाई। अच्छा लगा अंकल ने खाना वगैरह भी हमारे लिए नया खाना खाया इकट्ठे हम सब में, तो अंकल चले गए अब, चलो थोड़ा प्रेशर डाउन हो गया,
देख रहे हो ये वाली चीज। और भाई कसम से स्टीयरिंग ना मुझे बड़ा बड़ा मस्त लग रहा है भाई। तो गाइस ये वाली हालत है भाई, और दिख रहा है मतलब सिर्फ वो गाड़ी एक जा रही है, उसके इंडिकेटर दिख रहे हैं, जल रही है, और मुझे थोड़ी थोड़ी वाइट लाइन दिख रही है। और अभी अपनी स्पीड है सिर्फ 20 की स्पीड से चल रहे हैं भाई। कुछ भी हो सकता है यार, मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब रास्ते में कुछ भी हो जाए। कभी कभी कोई गाड़ी भी ख़राब होती है बेचारे की, जो फिर बंदा साइड भी नहीं कर सकता और पीछे वाली गाड़ी सीधे जाके हिट हो सकती है। चलो आस्ता आस्ता ही निकलेंगे भाई। और छोटी गाड़ी वाला देख रहे हो कैसे भाग गया एकदम। चलो आगे 1-2 किलोमीटर चलते हैं या 4-5 किलोमीटर सफ़र करते हैं किसी तरह, फिर कोई अच्छा सा होटल देखेंगे जहाँ कोई टेंशन वगैरह ना हो, वहाँ गाड़ी कर लेंगे पार्क और वीडियो एडिट करके फिर सो जाएंगे। क्योंकि भाई काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली, तो अब यही ट्राई करूँगा डेली वीडियो आ जाए अपनी। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह के 8 बज चुके हैं भाई, और रात को हम जलंधर से निकल के आके सो गए, क्योंकि भाई भयंकर धुंध है भाई, इतनी खतरनाक वाली धुंध है ना भाई, आगे वाली गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो जुबैर भाई ने बोला कि राजा मैं गाड़ी साइड पे लगा लूँ और सो ही जाते हैं भाई, वैसे भी कौन सा कच्चा माल था। तो ऊपर से हमें पठानकोट से अपने टायर वगैरह भी लेने थे, सुबह से भाई ड्राइव कर रहे हैं। और गाइस अभी भी इतनी धुंध है ना भाई, क्या ही दिखाएं आपको, देख रहे हो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अपने कश्मीरी ढाबे पे, और वहाँ रहा अपना कश्मीरी ढाबा। और भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और गाइस धुंध चेक कर रहे हो भाई। तो भाई ये वाली चीज़ देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है। ये देख रहे हो पानी पानी पानी, मतलब अपने पास सामान था उसमें थोड़ा गत्ते वाला सामान भी था, पेपर वाला सामान भी था, पता नहीं वो तबाह हो गया या क्या हो गया भाई, क्योंकि रस्सा तरपाल तो हमने किया ही नहीं और ना करेंगे। और भाई वहाँ चेक कर रहे हो, देख रहे हो गाइस बहुत सारी गाड़ियाँ। तो अपना बच्चा साइड में पार कर लिया, इस वाइट लाइन से बाहर ही पार कर लिया। तो चलो चलते हैं, पहले चाय वगैरह पी लेते हैं गाइस, फिर यहाँ से निकलते हैं। पीली चाय भाई, चाय पी के यहाँ से निकल चुके हैं भाई। मैंने कैप वगैरह डाल ली, और भाई आंखों में स्वेलिंग देख रहे हो भाई, नींद नहीं आ रही है, ऊपर से सेहत भी ठीक नहीं है। और गाइस देख रहे हो यहाँ धूप लग चुकी है, धुंध वगैरह हट चुकी है, मतलब जो मेन सिटी आ रही है ना वहाँ पे धूप लग चुकी है। और यहाँ कर रहे हैं मेरे साथ शिवम भाई बात। और शिवम भाई स्टीयरिंग कैसा लगा? स्टीयरिंग आपको दिखाया ना वीडियो कॉल पे। चलो कोई नहीं, जल्दी सीजन खत्म हो गया, बस दोनों भाई करेंगे कैंपिंग। और गाइस अपने ब्लॉग कंटिन्यू होने वाले हैं अपने शिवम भाई के साथ भाई, बस थोड़े से फ्री हो जाएं। तो चलो गाइस कंटिन्यू रखते हैं यहाँ से सफ़र, और पठानकोट में जाके रुकते हैं, वहाँ से अपने टायर वगैरह उठा लेते हैं। पहुँच चुके हैं अपने डमटाल पम्प पे भाई, और गाड़ी यहाँ पार्क कर ली, और वहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा रश है। क्या हो गया यार भाई के काम देखो, वो ये टेढ़ा हो जाता है नीचे यार, क्या हो गया? चलो जी ये मैंने सीखा, सीखा करो पहले उस्ताद से, ठीक है? तो भाई जुबैर भाई आज खुद ही पंप का काम कर रहे हैं, और अभी तक तेल डल चुका है 5,000 का, मतलब आज आइडिया यही है कि 20-22,000 का तेल डलेगा गाइस। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई बड़ी ब्रह्मणा, और अपने भाई मिल गए इरफान भाई, अपने घर से अपने गाँव से, मतलब अपने बचपन के साथी भाई, बहुत अच्छा लगा। छोटी गाड़ी से भाग रहा था एग्जाम देखे, आपका ही था ना? जी हाँ भाई का SI का एग्जाम था। चलो रब करे भाई मेरा जल्दी से जल्दी सब इंस्पेक्टर बन जाए, और जल्दी से जल्दी मुझे ही चलान करे फिर, ऐसा करेगा? बिल्कुल तो इरफान भाई को मैंने फोन किया कि भाई राजा भाई के इंस्टा से लाइव आया हूँ। हाँ तो राजा भाई को इंस्टा पे भी क्या ले रहे हो, प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। और भाई और ऐसा है ना कि मुझे अच्छा लगा, इरफान भाई को मैंने फोन किया कि आपकी गाड़ी जा रही है छोटी, उतर जाओ तुरंत दूर ट्रक में आके बैठ जाओ। इरफान भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, डाउन हो गई है, मुझे लगता है मेरी बैटरी लो होने वाली है। आज पहुंच चुके हैं सिद्रा, और अपने अफू भाई मिल गए। हेलो गाइस, क्या हाल है? बढ़िया, एक नंबर है भाई। ये बंदा है वो जो बंदा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, ठीक है? अभी इस बंदे को फोन करो, फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, व्लॉग चल रहे हैं? तो व्लॉग बना रहा हूं, अभी राइड करके आया हूं, एक मस्त वाली व्लॉग बना। वो कौन है पीछे, वो भी आ गया? हेलो आ जाओ वेलकम वेलकम मोमेंट भाई, वेलकम। ठीक हो? खैरियत और से ठीक है भाई। इन दोस्तों का सहारा रहा ना, ये अपना सारा सिस्टम इन दोस्तों का सहारा रहा ना, तभी मैं गाड़ी हमेशा चलाता हूँ। क्योंकि हमेशा मतलब मुझे हर भाई बोलता, अफू भाई हमेशा बोलता है राजा भाई दूर तक जाएगा। भाई क्या हाल है? ठीक हो? और खैरियत? बस ठीक भाई। तो गाइस आज ये प्रमोशन नहीं है, जल्दी से जल्दी जाओ अफू कोली व्लॉग्स सब्सक्राइब करो, मैं साथ में मेंशन 07 को भी, अमन व्लॉग 07 अफू भाई को मैं मेंशन कर दूंगा, अमन भाई का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। भाई जल्दी से जल्दी जाओ 50K कर दो भाई, उसके बाद ना एक तगड़ा सा सॉन्ग होने वाला है।
आएगा ना पक्का भाई? जल्दी से जल्दी मैं मेंशन कर रहा हूँ अपने साथ आपको कोली व्लॉग्स, मेरे भाई को जल्दी से जल्दी सपोर्ट दिखाओ और 50k करवा दो। आप पहले ये बोलो ट्रक है कि घर है भाई? ये घर है, ये गरीबों का घर है सच में। राजा भाई पहली बार बैठा पिक। तो भाई पहुंच चुके हैं नासरी टनल भाई, और यहाँ रहा अपना नासरी टनल। को भेज दिया भाई पानी लेने क्योंकि यहाँ कूलर लगा हुआ है, तो भाई पानी पी पी के ना हालत ही खराब हो चुकी है। बाहर का पानी पी पी के पानी सही नहीं था, उसकी वजह से ना अपनी अपना गला ही खराब हो गया भाई। और वहाँ देख रहे हो भाई, वो देख रहे हो टेम्पो वाला क्या कर रहा है, वो देख रॉन्ग साइड से भाई टनल में घुस गया। तो गाइस चलो चलते भाई टनल पार करते हैं, उधर से हमने ले लेना राइट वाली साइड। और लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई किश्तवाड़ वाली साइड, लाइफ में फर्स्ट टाइम किश्तवाड़ वाली साइड जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं किश्तवाड़ की रोड कैसी है भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अपने भाई हैं काफ़ी, उनको उन्होंने फ़ोन किया कि राजा भाई आ जाओ वेलकम। और गोलू भाई भी वहाँ पे, गोलू भाई से भी बात, उन्होंने बोला भाई अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं यहीं कंपनी में काम करता हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो उमर भाई से भी बात, उन्होंने भी बोला रोड एक नंबर है। और जो भाई है क्रेन वाले जो गाड़ी खाली करेंगे, उन्होंने बोला राजा भाई रात को ही आ जाओगे, रात को ही अनलोड हो जाएगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो फाइनली भाई पहुँच चुके थे अपने स्टेशन पर जहाँ हमने गाड़ी अनलोड करनी थी, वहाँ पहुँच चुके भाई। गाइस दिल से सॉरी भाई, मेन हाईवे से मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि भाई 100 किलोमीटर सफ़र किया ना भाई, वो रो रो कर किया यार, कसम से मैं रोया इस सफ़र में। मुझे नहीं पता था कि किश्तवाड़ की रोड इतनी गंदी है भाई। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई कुछ इस तरह की लोकेशन पर भाई, यहाँ देख रहे हो क्रशर वगैरह लगा हुआ है। और जो मेगा कंपनी है ना वो इधर से 2 किलोमीटर दूर है, उन्होंने यहाँ ही भेजा, ये भी उसी के अंडर है। अपना बादशाह यहाँ पार कर लिया और अभी चल रही है अनलोडिंग भाई, दिखा देते आपको अनलोडिंग। क्योंकि गाइस अपने बादशाह की नहीं बहुत ही बुरी हालत हो गई है, और वहाँ देख रहे हो भाई सीमेंट वगैरह वो वहाँ डाल रहे हैं और उसकी धूल सारी ना अपने बादशाह पे आके पड़ रही है भाई। हाँ जी गाइस, तो हो चुकी है अपनी गाड़ी अनलोड, आधी हो चुकी है भाई। थोड़ा सा सामान जो छोटा छोटा था वो रह गया भाई, और आज बात भी नहीं हो रही है भाई, जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, मतलब बात हो नहीं रही है यार, मतलब गला इतना दर्द कर रहा है ना भाई जिसका कोई हिसाब नहीं। और गाइस ये देख रहे हो, आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं भाई, कहाँ आए यार हम, कसम से कभी सोचा ही नहीं था ऐसी जगह आएंगे। दरिया दिख रहा है पूरा, ये रहा चनाब, और वहाँ देख रहे हो पार स्टोर, उस वाले पहाड़ से हम नीचे आए भाई, पूरी ऑफ रोडिंग की, मतलब उस वाले पहाड़ से नीचे आना था। और भाई ऑफ रोडिंग ही करनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि भाई हालत ही ख़राब हो चुकी है। और गाइस देख रहे हो कंपनी कहाँ पे है भाई, चल रहे हैं कंटिन्यू भाई। और ये वाली चीज चेक कर रहे हो, मतलब ये वाला ऊपर देख रहे हो भाई, जाली वगैरह इन्होंने बिछाई हुई है क्योंकि ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं सेम मुगर रोड की तरह भाई। और मिरर वगैरह हम बनने बंद रखे हैं क्योंकि गाइस यहाँ ना बहुत ज्यादा ठंड है यार। तो भाई यहाँ तो गाइस आज मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग करने का भाई, क्या ही करें क्योंकि भाई आवाज़ ही नहीं निकल रही है यार, गला इतना दर्द कर रहा है ना, और ऊपर से धूल और इतनी बुरी हालत है ना रोड की भाई, ये वाली चीज देख रहे हो। तो गाइस रात के 10:30 बज चुके हैं फाइनली, और अपना खाना वगैरह हो चुका है भाई, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आ चुके हैं हम मेन हाईवे पे भाई, जहाँ से मतलब हमने एंट्री ली थी किश्तवाड़ के लिए, वहीं पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा टनल से आगे आके गाड़ी साइड पे पार्क कर ली क्योंकि भाई कनवाई ऊपर से आ रही है, मतलब श्रीनगर वाली साइड से आ रही है, तो रश बहुत ज़्यादा हो रखा है। फिर मैं और जुबैर भाई ने ये डिसाइड किया कि रात को यहीं रुक जाएंगे, तो सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि कनवाई ऊपर की ख़त्म हो जाएगी, और जम्मू वाली साइड की कनवाई ना 10-11 बजे छोड़ते हैं, तो आराम से गाड़ी कोई नहीं मिलेगी रास्ते, तो चले जाएंगे कश्मीर में। तो जुबैर भाई हो गया अपना मतलब सोने का टाइम, और भाई ने कंबल वगैरह डाल लिया, बोला राजा भाई सो जाते हैं। तो गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा थका हूँ, सेहत भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस व्लॉग को यही एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो गाइस आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब व्लॉग में बहुत ज़्यादा कम कमेंट आ रहे हैं, तो मिलते हैं साथ साथ एक कंटिन्यू व्लॉग में। तो गाइस कर दो बहुत सारे कमेंट इस बार, तो मिलते हैं साथ साथ एक कंटिन्यू व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।